corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, gender, development, corruption. हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन और कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि का मुख्य कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फल और सब्जी की उत्पादक होने के बावजूद प्रदेश में अधिकतर महिलाएं एनीमिया यानी रक्त की कमी से पीड़ित है। और विडंबना की बात यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि एनीमिया क्या होता है। बागीचे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन है। बागीचों की आमदनी से ही यहाँ के लोग अपना निर्वाह करते हैं और इनमें ज़्यादातर काम महिलाएं करती है। एक महिला का काम सुबह से शुरू हो जाता है। वो अपने घर परिवार के लिए खाना बनाती है, बर्तन और कपड़े धोती है, फिर सारा दिन बगीचे में काम करती रहती है। उसका सारा दिन काम में ही बीत जाता है। उसके पास अपने लिए वक्त नहीं है और ना ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान। उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वे डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप करवाएं। एनीमिया क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। फिर हम घर में काम करने वाले हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, बाग बगीचों में काम करते हैं, करते करते मुझे चक्कर सी आती है, फिर कभी कमजोरी महसूस होती है, सिर में दर्द होते हैं। फिर मैं तो क्या कर सकती हूँ ना, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बच्चों के सिवा बच्चों का भी देखभाल करना पड़ता है, फिर मैं जा नहीं पाती हूँ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। महिलाएं बगीचों में काम के साथ साथ खेतों में भी दिन भर कार्य करती रहती हैं, जैसे फसलों की देखभाल करना, फसलों में से खरपतवार उखाड़ना आदि। उनका पूरा दिन खेतों के काम में बीत जाता है। उसके बाद वे उगाए हुए फल और सब्जी को बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। उनके पास अपने लिए वक्त नहीं होता और ना ही अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता। सुबह से शाम तक काम ही करते रहते बेटा, हमारे को टाइम नहीं लगता अभी हम डॉक्टर के पास जा सके या कोई ऐसे खा सके भी, या हो सिर दर्द की दवाई भी खाने लायक बैठी हो, टाइम लगता हमारे को खाना खाने लायक टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती, हॉस्पिटल में तो महिलाओं की कतारें लगी रहती हैं, परंतु वे अपने चेकअप के लिए कम, अपने पति और बच्चों के चेकअप के लिए उनके साथ ज़्यादा हॉस्पिटल जाती हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे लापरवाह रहती हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य की ना तो कोई चिंता है और ना ही अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई जागृति है। एनीमिया यानी खून की कमी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसका कारण है खून की कमी का मुख्यतः आयरन डेफिशिएंसी, मतलब आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन लोगों में इसकी वजह से होता है। और महिलाओं में जो खून की कमी का मुख्यतः कारण है कि एक तो महिलाओं अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देके अपने परिवार में अपने बच्चों को और अपने पति को ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने खाने पीने का को नेग्लेक्ट करते हैं। और इसके अलावा इनको हर महीने पीरियड्स भी होते हैं जिससे उनकी खून का नुकसान होता है और बच्चे भी कम उम्र में पैदा करने लग जाते हैं। उसकी वजह से भी इनको हमेशा आयरन और कैल्शियम लेनी चाहिए जो जिसकी ये पूरी तरह से लेते नहीं है जितनी इनको ज़रूरत होती है, इसलिए इनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। महिलाएं इस बात से जागरूक नहीं है कि उनका एनीमिया उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादातर एनीमिया गर्भवती महिलाओं में होता है जो कि उनके आने वाले बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन महिलाएं इसके लिए जागरूक नहीं है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ना केवल महिला बल्कि महिला और पुरुष दोनों को जागरूक और शिक्षित करना जरूरी है। इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।